हेलो एवरीवन आई एम योर फ्रेंड्स ये देवेश ठाकुर आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी एज पर योर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब और एज पर द न्यू स्लैब्स इंट्रोड्यूस इन अवर यूनियन बजट 2020 यूनियन बजट 2020 में एक नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द इंडिविजुअल एंड एच एंड दिस इज ऑप्शनल इन नेचर यानी ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने न्यू टैक्स रेजीम को ही सिलेक्ट करना है आपको जो मोर बेनिफिशियल है आपके लिए आपने उसको सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर्स को एग्जिस्टिंग स्लैब या फिर न्यू स्लैब में से जो चूज़ करना है वो बिफोर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न चूज करना है बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप साल के बिगनिंग में ही सेलेक्ट कर लें जो आपको बेस्ट सूट करता है ताकि आपकी टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उसी हिसाब से हो सके टैक्स पेयर ऑन सेटिस्फाइंग सर्टन कंडीशन इस न्यू टैक्स रजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट न्यू इनकम टैक्स रेजीम हमारी एक सेपरेट वीडियो है आप उसको रेफर कर सकते हैं और उसके ऊपर हमारे ब्लॉग्स भी हैं जिनका लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया है आप उनको रेफ़र कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो में हमने दो एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं जिसमें हमने एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लैब और न्यू इनकम टैक्स लैब के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है आप उसको रेफर कर सकते हैं इनकम और एग्जशंस को डिडक्शन्स को आपने कैसे क्लेम करना है इन एग्जिस्टिंग स्लैब और इन न्यू स्लैब हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो बेनिफिशियल आपको ज्यादा रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं आइए देखें कैसे आप अपने इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे इन बोथ ऑफ दिन एग्जाम्पल वन में हमने कंसिडर करा है मिस्टर एक्स जिनकी एज है फोर्टी सेवन ईयर्स इनको ग्रॉस सैलरी मिली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 13 लाख रुपीस उनमें से इस फाइनेंशियल ईयर में मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करे हैं पीपीएफ में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और उन्होंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे किया है टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उनका एक होम लोन चल रहा था जिनके ऊपर उन्होंने पूरे साल में इंटरेस्ट पे करा है वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ अब हम कैलकुलेट करते हैं मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी एज़ पर दी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स ले और एज पर दी न्यू इनकम टैक्स लैब सबसे पहले हम समझते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी एज पर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लैब मिस्टर एक्स की ग्रॉस सैलरी थी थर्टीन लाख रुपीज उसमें से उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ की उन्होंने उनके पास एक होम लोन था उसके ऊपर जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है वो अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उनको डिडक्शन मिलेगी ग्रॉस इनकम ऑफ मिस्टर एक्स बनी इलेवन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड अब हम उसमें से डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर चैप्टर सिक्स से जो कि उन्होंने पीपीएफ में डिपॉजिट किया था वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ फॉर दी फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन उन्होंने अंडर सेक्शन एट्टी डी जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो उनको अंडर सेक्शन एट्टी डी में डिडक्शन मिलेगी टोटल डिडक्शन उनकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज़ पर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स बनी वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टर एक्स कम्स आउट टू रुपीज़ नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ अब इसके ऊपर अब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो कि एग्जिस्टिंग स्लैब है हमारा ज़ीरो टू टू पॉइंट फाइव लाख है नील, टू पॉइंट फाइव लैख टू फाइव लैख है हमारा फाइव परसेंट यानी फाइव लाख माइनस टू पॉइंट फाइव लैख फाइव परसेंट हम करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद हमारा फाइव लैख टू टेन लैख का स्लैब है उस पर हमारा एप्लीकेबल रेट है ट्वेंटी परसेंट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स थी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड माइनस फाइव लैख कम्स आउट टू फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड इसका हम ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज़ नाइनटी टू थाउजेंड इनको हम प्लस करेंगे तो टोटल इनकम टैक्स हमारा बना वन लैख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि है फोर परसेंट विच कम 4,180 जिसके बाद हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी वन लैख एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एट्टी एज पर द एग्जिस्टिंग स्लैब फॉर मिस्टर एक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब हम देखते हैं अगर ये न्यू टैक्स रजीम को सेलेक्ट करते तो इनकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी क्या बनती फॉर द फाइनेंशियल ईयर इनकम फ्रॉम सैलरी जो ग्रॉस सैलरी मिस्टर एक्स को रिसीव हुई है वो है थर्टीन लाख रुपीस इसके ऊपर न्यू रेजिम में मिस्टर एक्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी जो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन होम लोन डिडक्शन क्लेम किया था एज़ पर दी एग्जिस्टिंग स्लैब वो भी न्यू रेजिम में मिस्टर एक्स को अवेलेबल नहीं है फर्दर आते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स से एज पर अंडर सेक्शन एट्टी सी जो उन्होंने पी में डिपॉजिट किया था जो रिपीट उन्होंने एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लेब में क्लेम की थी वो न्यू रजीम में अवेलेबल नहीं है एट्टी का जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पे किया है वो भी न्यू रजीम में उनको अवेलेबल नहीं है यानी ऑलमोस्ट सेवेंटी डिडक्शन और एग्जामेशनस हैं जो उनको अवेलेबल नहीं है अंडर द न्यू टैक्स रजीम उनको काफ़ी सारी डिडक्शंस को फोरगो करना पड़ेगा अगर वो रिड्यूस्ड इनकम टैक्स लैब को चूज़ करते हैं टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स कम्स आउट टू रुपीज थर्टीन लैख यानी उनको कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं हुई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर वो न्यू टैक्स रजीम को सेलेक्ट करते हैं अब हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू इनकम टैक्स लैक जो कि है जीरो टू टू पॉइंट फाइव लैख नील टू पॉइंट फाइव लैख टू फाइव लैख है फाइव परसेंट यानी फाइव लैख माइनस टू पॉइंट फाइव लैख इन फाइव परसेंट विच कम्स आउट टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके बाद का हमारा स्लैब है फाइव लैख टू सेवन पॉइंट फाइव लैख जिसका इनकम टैक्स रेट है टेन परसेंट यानी सेवन पॉइंट फाइव लैख माइनस फाइव लैख के ऊपर हमने टेन परसेंट कैलकुलेट करना है विच कम्स आउट टू रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद हमारा स्लैब है सेवन पॉइंट फाइव लैख टू टेन लैख जिसका इनकम टैक्स स्लैब है फिफ्टीन परसेंट जो कि टेन लैख माइनस सेवन पॉइंट फाइव लैख हम करेंगे जो कि आता है ढाई लाख उसके ऊपर हमने पंद्रह परसेंट कैलकुलेट करना है विच कम्स आउट रुपीज़ थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद हमारा स्लैब है टेन लैख टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैख जिसके ऊपर हमारा ट्वेंटी परसेंट का स्लैब है ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैख माइनस टेन करेंगे ढाई लाख उसके ऊपर अब हम ट्वेंटी परसेंट कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो कि टैक्सेबल इनकम हमारी आई थी थर्टीन लैख अब थर्टीन लैख का जो स्लैब है वो ट्वेल्व पॉइंट फाइव के बाद वाला स्लैब हमारे को लगेगा जो कि है ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैख टू फिफ्टीन लैख जो कि हमारा ट्वेंटी फाइव परसेंट टैक्स ब्रैकेट में आता है थर्टीन लैख माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैख विच इज़ फिफ्टी थाउजेंड अब हम उसके ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अब हम इन सब को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनेगी एज़ पर दी न्यू स्लैब वन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब हम इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट रुपीज फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी मिस्टर एक्स की एज पर द न्यू इनकम टैक्स स्लैब वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम कैलकुलेट करते हैं ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इस केस में हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था इसलिए हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि चार परसेंट है उसको इनकम टैक्स के ऊपर कैलकुलेट किया है एट्टी ए की रिबेट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी नेट टैक्सेबल इनकम फाइव लैख से एक्सीड कर रही है अब हम देखते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर टू इसमें ग्रॉस सैलरी हमने कंसिडर करी है एट पॉइंट फाइव लाख बाकी सारा एग्जाम्पल एज इट इज़ सेम है जिसमें इन्होंने पी पी एफ में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डिपॉजिट किया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पे किया है और जो होम लोन चल रहा था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी बनी एट पॉइंट फाइव लाख जिसमें से हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी फिफ्टी थाउजेंड की और अंडर हाउस प्रॉपर्टी हम इसका इंटरेस्ट जो हमने पे किया है उसको अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी इसको क्लेम कर लेंगे जो कि हमारे को डिडक्शन मिल जाएगी वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड की इसके बाद हमारे पास ग्रॉस इनकम बनती है ऑफ मिस्टर एक्स एज़ पर दी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लैब सिक्स लाख एट्टी फाइव थाउजेंड अब हम इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम करेंगे अंडर चैप्टर सिक्स से जो कि अंडर सेक्शन एट्टी सी हम क्लेम करेंगे पी पी एफ जो हमने डिपॉजिट किया था वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का और मेडिक्लेम जो हमने पे किया है वो अंडर सेक्शन एट्टी डी हम क्लेम करेंगे टोटल डिडक्शन हमारी बनेगी वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड की और टोटल इनकम हमारी आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टर एक्स कम्स आउट टू रुपीज फाइव लाख टेन थाउजेंड अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी एज पर द एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लाइ जीरो पॉइंट फाइव लाख नील है टू पॉइंट फाइव लाख टू फाइव लाख हमारा फाइव परसेंट का टैक्स ब्रैकेट है जिसकी हमारी इनकम टैक्स कैलकुलेशन में हम फाइव लाख माइनस टू पॉइंट फाइव लाख करेंगे इन टू फाइव परसेंट करेंगे तो विच कम्स आउट टू रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब फाइव लाख टू टेन लाख हमारा ट्वेंटी परसेंट का टैक्स ब्रैकेट है जो कि हमारी टोटल इनकम है फाइव लाख टेन थाउजेंड पांच लाख से ऊपर सिर्फ दस हज़ार है तो फाइव लाख टेन थाउजेंड माइनस फाइव लाख इंटू ट्वेंटी परसेंट हम करेंगे तो विच कम्स आउट टू रुपीज टू थाउजेंड हमारी टोटल इनकम टैक्स बना फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यानी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू थाउजेंड इसके ऊपर अब हम हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा चार परसेंट है विच कम्स आउट टू रुपीज़ फाइव हंड्रेड एट्टी रुपीज़ तो टोटल हमारी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी एज पर दी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लैब फिफ्टीन थाउजेंड एंड एट्टी रुपीज यानी वन फाइव जीरो एट जीरो हमारी टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी एज़ पर दी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लैब ऑफ मिस्टर एक्स फॉर दी फाइनेंशियल ईटी ट्वेंटी वन अब हम देखते हैं एज पर न्यू इनकम टैक्स लैब मिस्टर एक्स की क्या टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होगी इनकम फ्रॉम सैलरी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स हमें अवेलेबल नहीं है इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि अंडर सेक्शन 24 बी हम क्लेम करते आए हैं वो अंडर न्यू टैक्स रेजीम अवेलेबल नहीं है टू मिस्टर एक्स डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए की जो डिडक्शन है वो भी मिस्टर एक्स को अवेलेबल नहीं है अंडर न्यू टैक्स रेजीम जो पी में उन्होंने डिपॉजिट किया है या फिर जो उन्होंने मेडिक्लेम पे किया है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 ट्वेंटी वन एज़ पर दी न्यू इनकम टैक्स रेजीम कम्स आउट टू रुपीज़ एट लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ अब ऊपर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जिसका टैक्स लैब है जीरो टू टू पॉइंट फाइव लैख नील टू पॉइंट फाइव लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट विच कम्स आउट टू रुपीज़ अगर हम फाइव लैख को माइनस करेंगे टू पॉइंट फाइव लैख से और उसका पाँच परसेंट कैलकुलेट करेंगे जो कि आता है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट है हमारा फ़ाइव टू सेवन पॉइंट फाइव लैख जिसका इनकम टैक्स का स्लैब है टेन परसेंट सेवन पॉइंट फाइव लैख माइनस फाइव लैख करेंगे उसका हम टेन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इसके बाद का हमारा स्लैब है सेवन पॉइंट फाइव लैख टू टेन लैख हमारी टोटल इनकम थी एट पॉइंट फाइव लैख तो एट पॉइंट फाइव लैख माइनस सेवन पॉइंट फाइव लाख यानी एक लाख के ऊपर हम पंद्रह परसेंट कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड टोटल इनकम टैक्स हमारा बना फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब हम इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू रुपीज ट्वेंटी वन हंड्रेड और टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी हमारी बनी फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इफ पॉसिबल टैक्स पेयर्स साल के बिगनिंग में ही अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करें अपनी इनकम और डिडक्शन एग्जामेशन को कंसिडर करके जो उनको टैक्स रिजीम बेस्ट सूट करती है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली वो अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं किस टैक्स रेजीम को सेलेक्ट करना चाहते हैं ताकि अकॉर्डिंगली टी डी एस के प्रोविजन्स उन पर एप्लीकेबल हो सकें आई होप आपको कुछ आइडिया लगा हो कि कैसे आपने इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है एज़ पर दी एग्जिस्टिंग और न्यू टैक्स लैब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है क्वेरी है सजेशन है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं हमारे इस वीडियो से रिलेटेड जो कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन में किया है उन ब्लॉग्स के थ्रू आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने उन ब्लॉग्स में भी समझाए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ टेक्सपर्ट्स थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो